नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो जियो फोन नेक्स्ट को लेने का, जी हां, अगर जियो फोन आप भी सोच रहे हो कि जो जियो का स्मार्टफोन आने वाला है उसे हम बाई करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि उसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन सब कुछ सामने आ गया है पूरा का पूरा। तो जान लें कि इस वीडियो में बने रहिएगा कितने रुपए का मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट, जो कि जियो का पहला स्मार्टफोन होगा और आप कह सकते हो ग्लोबली सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। तो जाने किस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो का दोस्तों एक नेक्स्ट मंथ न्यू फोन लॉन्च होने वाला है, 10 आप कह सकते हो सितंबर को लॉन्च होगा। बात करते हैं कैसा होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, तो यहां पर एक ट्वीट सामने आया है जिसमें कि सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लीक होकर सभी स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं, जिसमें कि 5.5 इंचेस की यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 4G वोल्टी आपको डुअल सिम देखने को मिलेगा, 2GB और 3GB रैम वेरियंट देखने को मिलेगा, 16GB 32GB स्टोरेज आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो प्रोसेसर होगा वो होगा, चिपसेट होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 215 वाला। अगर बात करते हैं एंड्रॉयड कौन सा होगा, तो एंड्रॉयड 11 होगा गो एडिशन के साथ में। वहीं अगर बात करते हैं बैक में कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा, तो 13 मेगापिक्सल का होगा, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की अगर बात करें तो 2500 mAh की इसकी बैटरी होने वाली है। नेक्स्ट मंथ ये लॉन्च होगा 10 सितंबर को, और इसका जो प्राइस सामने आया है वो आया है 3499 रुपये, मतलब 3500 रुपीज़ यहाँ पर ये कुछ प्राइस रेंज में आएगा। तो दोस्तों, कि अगर ये 3500 रुपये की प्राइस रेंज में आता है तो क्या आप इसे लेना पसंद करोगे? हालांकि मैंने जो इसकी प्राइस सोची थी वो है 2500, अगर 2500 तक आता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी लोग इंटरेस्ट जताएंगे इसको लेने में। अदरवाइज़ ये जो 3500 रुपये आया है ये भी इसकी प्राइस हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा जब जियो फोन 2 आया था क्वालिटी कीपैड वाला, तो वो 2999 रुपये का था। तो यहाँ पर ये भी जो इसकी प्राइस रेंज है, अब ये स्मार्टफोन है तो 500 रुपये और महंगा हो सकता है और 3500 रुपये इसकी प्राइस हो सकती है। होप फॉर द बेस्ट। आप बताइए दोस्तों क्या आप वेट करो जियो फोन नेक्स्ट का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो से क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।